एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन जब भी कभी भी किसी का एग्ज़ाम हो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी आपके लिए लेके आई हूँ। एक वीडियो में हम एक साथ देखेंगे तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान अगर सिद्धांत की हम बात करें तो क्रम से दिए गए हैं, आप देखिएगा। अगर देखिए बात करें हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में तो उनके प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स में बना लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कहीं पे भी आप सेव कर लीजिए, जैसे भी आप उचित समझे, ठीक है। तो ये रहेगा, एक साथ रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम हो टीचर्स एबिलिटी से लेके। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो वो भी कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। और प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की हम बात करें तो भी कौन हो जाएंगे प्रतिपादक इसके? थॉर्नडाइक। तो यानी कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक की बात करें तो भी थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की बात करें तो भी थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो भी थॉर्नडाइक, और संयोजन जो वाद का जो सिद्धांत दिया है वो भी थॉर्नडाइक। तो अगर आपको इस तरीके से एक साथ देखे हुए मिलेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जल्दी से याद कर लें। सुबह शाम आप इसको दवाई की तरह खाते रहिए, देखते रहिए, आपको 110% याद हो जाएगा। बस आपको प्रयास प्रयत्न इस तरीके से जैसे भी आप ट्रिक समझे वैसे आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रतिपादक की हम बात कर रहे थे, फिर है मनोविज्ञान के जनक। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अगर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की तो थॉर्नडाइक, और सिर्फ अगर मनोविज्ञान के जनक की बात करते तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। इस तरीके से हमसे गलतियाँ होती हैं एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं अपने सिक्स नंबर की, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, ठीक है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिएगा और अपना एकदम ताबड़तोड़ देके पेपर देके आइएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं आठ वाले पॉइंट की, आत्म संप्रदाय की अवधारणा की बात करें तो विलियम जेम्स। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं वो भी थॉर्नडाइक, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा? आत्म संप्रदाय की अवधारणा विलियम जेम्स, उद्दीपन अनुक्रिया और एसआर थ्योरी के जन्मदाता वो भी थॉर्नडाइक, ठीक है। ये थॉर्नडाइक इस तरीके से बहुत ही एक बार आपको सारे थॉर्नडाइक के मिल जाएंगे जितने भी, और सबसे ज़्यादा थॉर्नडाइक के पूछे भी जाते हैं, बस इनके नाम जो अलग अलग होते हैं तो हम उनको याद नहीं कर पाते, ठीक है। ग्यारहवां की अगर हम बात करें अधिगमबद्ध का सिद्धांत तो भी थॉर्नडाइक, संबंधवाद का सिद्धांत तो भी थॉर्नडाइक, ठीक है, आपको याद रखना है। और बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है ये, आप समझिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है आप सभी के लिए, बहुत ही बेनिफिट देगी इसको और आप एक जगह सारी चीज़ें आप पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम संबंधवाद का बात कर रहे थे, प्रशिक्षण अंतर का सर्वसम तो भी थॉर्नडाइक, अवयव का सिद्धांत तो भी थॉर्नडाइक, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, ठीक है। जिसे बिने सामान्य बुद्धि परीक्षण की बात के आरंभ करें तो इसके भी जो प्रतिपादक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? बिने एवं साइमन, ठीक है। तो काफ़ी बार ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इस तरीके से आप देखते रहिए। चलिए और देख लेते हैं हम आगे क्या है। अगर सिक्स की अगर हम बात करें तो सिक्सटीन की तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बिने। और इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको वो भी ट्रिक बता दूँ। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत वो भी बिने, ठीक है। दो खंड का स्पीयरमैन और तीन खंड का बुद्धि सिद्धांत वो भी स्पीयरमैन। मैंने इसको सिंपली ऐसे याद किया था, मैंने अपने टाइम में एक बिने दो तीन स्पीयरमैन, तो कैसे भी याद कर लीजिए, या एक बिने दो तीन मैन, एज वेल एज, जैसे भी आप इसको उचित समझें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन के भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है।
और अगर हम बात करें बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत तो भी स्पीयरमैन, और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड। बहुत बार पूछा जाता है गिलफोर्ड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो थॉर्नडाइक भी बहुत पूछा जाता है, स्पीयरमैन, बुद्धि और गिलफोर्ड से भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो बुद्धि संरचना का अगर सिद्धांत की बात करें तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड। और 24 नंबर की अगर हम बात करें समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत तो थर्स्टन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर होता है क्या है कि आपको एक साथ मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है आप यहाँ से एक एक नंबर जरूर गिन करेंगे, आपका यही एक एक नंबर आपको हमेशा बेनिफिट पहुँचाएगा। और एक नंबर से मैंने बताया आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, एक नंबर से आपको सिलेक्शन मिल भी सकता है, तो किसी भी नंबर को आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, आगे देख लेते हैं युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के अगर प्रतिपादक की बात करें तो थर्स्टन, क्रमबद्ध अंतराल विधि प्रतिपादक की बात करें तो थर्स्टन, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक की बात करें तो थर्स्टन व चैप, बुद्धि के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो थॉमसन, ठीक है। पदानुक्रमिक क्रमिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एक बुद्धि का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत जो पदानुक्रमिक की बात करें तो थॉमसन, ठीक है। बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर बी कैटल, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही आप देखते रहिए। और 31 है प्रतिपादक विशेषक सिद्धांत की बात करें, इसके प्रतिपादक कौन है, आर बी कैटल, बुद्धि का खा गा, ठीक है। इसके सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये हैब का सिद्धांत है, ठीक है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसके प्रतिपादक हैं जॉनसन, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र, ये भी यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया, इसको हैशटैग इम्पॉर्टेंट बना लीजिए, जैसे भी आप उसको करें इसको हाईलाइटर कर लीजिए, कुछ भी आपको एक नंबर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विलियम स्टर्न, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक की बात करें तो विलियम वुंड, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक की अगर हम बात करें तो भी विलियम वुड। अब हम आते हैं 37 पे, तो विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो जीन प्याजे, ठीक है। इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं 38 की, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत की अगर जन्माता की बात करें तो विलियम मैकडूगल। बहुत बार पूछा जाता है ये, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है विलियम मैकडूगल से इन्होंने क्या दिया, किस तरीके दी, इनकी संख्या कितनी। तो आप जो भी पढ़े उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में सेट रखें, पहले तो जन्मदाता, इन्होंने क्या दिया, कितनी संख्या थी, ठीक है। तो मैकडूगल ने क्या दी थी, मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी थी, 14। फिर है हार्मिक का सिद्धांत मैकडूगल, मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क का विज्ञान पॉपुलॉजी, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी बहुत बार यूपी टेट में पूछा जाता है, स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत तो भी स्किनर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर बात करें हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो पावलोव, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत तो इनका पावलोव का जो पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, ये इनका पूरा नाम है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में क्या रखते हैं, सिर्फ पावलोव, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। शास्त्रीय अनुबंधन का, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, तो ये भी किसने दिया था, पावलोव ने। प्रतिस्थापक का सिद्धांत तो भी पावलोव। प्रबलन एंड पुनर्बलन का सिद्धांत, ये किसका है, सीहल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी सी हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत सी हल, तो हल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये सोचिए कि मैंने अभी तक आपको जितने दिखाए हैं उनमें से हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपका कौन सा आता है, बस आपको सुबह शाम देखते रहिए। मैंने बोला आपको घबराइए नहीं कि इतने सारे हैं, बस आप इनको देखते रहिए, हाँ ये थॉर्नडाइक के हैं, ये स्किनर के हैं, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे आपने 50 कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। फिर अभी थोड़े से और हैं, वो भी देख लेते हैं। 51 की बात करें, संपोषक का सिद्धांत सीहल, जिसे हम चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, और इसके भी प्रतिपादक कौन है, सीहल। अधिगम सूक्ष्म सिद्धांत की बात करें तो कोहलर, ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन है, कोहलर, और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, ठीक है। एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था,
उस पर किया था, ठीक है। सूर्य या अंतर्दृष्टि की बात करें तो वर्दिमर, कोफा और कोहला, गैस्टालवाद संप्रदाय के जनक, ठीक है। तो अभी ये क्या है, थोड़ा अगर आपसे और आगे चल के पूछ दिया तो इस तरीके से आपको याद रख रहा है, तो वर्दिमर, कोफा। क्षेत्रीय सिद्धांत कोर्ट लेविन, ठीक है। तल रूप का सिद्धांत वो भी कोर्ट लेविन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आगे और देख लेते हैं, समूह गतिशीलता संप्रदाय की अगर बात करें तो कोर्ट लेविन, और समीप संबंध का सिद्धांत तो कोर्ट लेविन, यहाँ पर कर्ट लेविन लिखा लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो 60 की बात करें, चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन, संभावना प्रतिपादक का सिद्धांत टॉलमैन, अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक तो डेविड आसुबेल, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर है मनोवैज्ञानिक वर्ग के संप्रदाय के जनक, ये भी हैं आपके सामने। और फिर इसके बाद हैं अल्बर्ट बंडूरा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, एक साथ आपको मिलेगा। अधिगम व व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो क्लार्क, सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक की बात करें तो अल्बर्ट बंडूरा, और पुनरावृत्ति का सिद्धांत करें तो स्टेने हॉल। अधिगम स्पानकी के अगर प्रतिपादक की हम बात करें तो गेन, मनोसामाजिक प्रकाश का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो एरिक्सन, ठीक है। जिसे प्रोजेक्ट प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली आखिर होती क्या है, योजना विधि होती है जिसे हम करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक। तो ये भी हैशटैग है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उस पर बनाते जाइए, स्टार स्टार हाईलाइटर जो भी आपको उचित लगे। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एवन गॉस के कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये अभी तक आपके सामने थे इतने सारे, तो बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको अच्छा लगा हो ये देख के तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।